नमस्कार, जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, हम पढ़ रहे थे भारत का भौतिक स्वरूप और उसमें जो है अब आज चल रहा अपना उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर के विशाल मैदान को हम जो भौतिक डिवीज़न थे, इसके भौतिक विभाग थे, भाबर, तराई, बांगर, खादर और डेल्टा, ये हम पढ़ चुके हैं। इसका एक और विभाजन किया जाता है दोस्तों, प्रादेशिक विभाजन, जिसका कल हमने छोटी मोटी जानकारी उसकी ली भी थी। राजस्थान का मैदान, पंजाब हरियाणा का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान जिसे हम कहते हैं। तो लेते हैं आज इसका प्रादेशिक विभाजन, उत्तर के विशाल मैदान का प्रादेशिक विभाजन। अब बात करें दोस्तों प्रादेशिक विभाजन की, तो प्रादेशिक विभाजन प्रदेशों के हिसाब से किया जाता है। तो इसमें पहला आता है आपका राजस्थान का मैदान, राजस्थान का मैदान। दूसरा आता है साथियों इसमें पंजाब व हरियाणा का मैदान, ठीक है, जो आपका सिंधु नदी तंत्र वाला जो एरिया है वो इसमें आता है, उसे कहते हैं पंजाब व हरियाणा का मैदान। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट आता है साथियों गंगा का मैदान, तीसरा है गंगा का मैदान। और इस गंगा के मैदान को हमने तीन भागों में डिवाइड किया था, जिसमें अपना पहला था ऊपरी गंगा का मैदान, दूसरा था इसमें साथियों मध्य गंगा का मैदान, और फिर इसमें अपना तीसरा आया था निम्न गंगा का मैदान या निचला भाग, निम्न गंगा का मैदान। ये जो गंगा नदी का प्रवाह क्षेत्र है उस एरिया का डिवाइडेशन ये है, लेकिन एक हिस्सा यहाँ है असम और पश्चिम बंगाल के बीच में, इसको कहते हैं दोस्तों ब्रह्मपुत्र का मैदान। क्या है इसको, कुछ विद्वान गंगा के मैदान का ही हिस्सा मान के बढ़ते हैं, लेकिन एक हिसाब से देखा जाए तो ये ब्रह्मपुत्र का मैदान है, क्योंकि ये ब्रह्मपुत्र की घाटी वाला एरिया है, तो इसे कहते हैं ब्रह्मपुत्र का मैदान, ठीक है। ये हुआ इसका एक तरह से मोटा मोटी प्रादेशिक विभाजन। अब हम एक एक करके इनको पढ़ते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम राजस्थान का मैदान। जैसा कि साथियों आप जानते हो राजस्थान के मैदान की दिशा आप मैप में देख पा रहे हो, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, और बाकी वाले पार्ट की जो दिशा है वो करीब करीब पश्चिम से पूर्व, या आप यूँ भी कह सकते हो उत्तर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर इसका विस्तार है। हमने कल पढ़ा भी था अम्बाला और सहारनपुर का एरिया जल विभाजक का है। अब एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको कि इस उत्तरी मैदान, जो अपना विशाल मैदान है उत्तरी विशाल मैदान, इसमें तीन नदी तंत्र आते हैं विशेष रूप से। नदी तंत्र कौन कौन से आते हैं, तीन नदी तंत्र आते हैं इसमें। पहला आता है साथियों सिंधु नदी, कौन सा, सिंधु नदी। दूसरा आता है साथियों इसमें गंगा नदी, गंगा नदी। और तीसरा आता है इसमें ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि सबसे छोटा है, ब्रह्म पुत्र नदी, ठीक है। अब देखिए सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियां आपके आ गई सतलज, व्यास, रावी, चेनाब और जेलम, ये इसकी सहायक नदियां। इनका अपवाह क्षेत्र इसमें माना जाता है, लेकिन अगर विशेष रूप से देखा जाए तो केवल सतलज और व्यास नदियों का एरिया ही इस पार्ट के अंदर जो है आता है। जो थार का मरुस्थल है पंजाब सिंध पाकिस्तान में फैला हुआ थार का मरुस्थल, उसमें आता है ये सिंधु नदी तंत्र और उसमें ये पांचों नदियां आती हैं, और इस एरिया को इसीलिए पंजाब कहा जाता था, इसके ऊपर भी अपन बात करेंगे। इसके अंदर आ जाती है आपकी अलकनंदा, गंडक, घाघरा, गंडक, घाघरा, कोसी, सोन
और यमुना इम्पोर्टेंट, ठीक है, और इसमें केवल ये अकेली नदी आती है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो पूरा मैदान है ये इन तीन नदी तंत्रों द्वारा बनाया गया है। मैदान किससे बनते हैं? नदियों के अपवाह क्षेत्र में नदियों जो है मैदानों का निर्माण होता। नदियाँ पहाड़ी क्षेत्रों से आती है जल लेकर, वहाँ से अपने साथ जो है अपक्षय करके मिट्टी लेके आती है और इन मैदानों में जमा कर देती है। अब इनका निर्माण कैसे होता है? जैसा कि आप जानते हैं पर्वतों से नदी उतरती है तो वहाँ चूँकि ढलान ज़्यादा होता है, इस वजह से नदियों की स्पीड ज़्यादा होती है और वो कटाव करती है, जिससे जो है वहाँ घाटियाँ बन जाती है और पर्वतीय क्षेत्रों की मिट्टी को काट कर नदियाँ अपने साथ लाती है। और जिस जैसे जैसे धीरे धीरे वो आगे बढ़ती है तो मैदान में चूँकि ढलान कम होता है और ढलान कम होने की वजह से उस मिट्टी का वो वहाँ निक्षेपण कर देती है, मतलब जमा कर देती है, जिससे कि इन मैदानों का निर्माण होता है। तो देखिए ये आप अभी अपन इसमें एक एक पढ़ेंगे। पहले सबसे पहले लेते हैं अपन राजस्थान का मैदान। बात करें दोस्तों राजस्थान का मैदान की, तो राजस्थान के मैदान में अगर देखा जाए तो वैसे इनमें से कोई सी भी नदी नहीं आती है, केवल एक आती है आपकी घग्गर नदी जो शिवालिक से निकल के आती है, वो अंतः प्रवाह की है। सबसे पहली विशेषता है दोस्तों राजस्थान के मैदान की कि ये अरावली के पश्चिम से पाकिस्तान भारत पाकिस्तान सीमा तक विस्तृत है। कहाँ से कहाँ तक? अरावली से भारत पाक सीमा। वैसे देखा जाए साथियों तो ये आपका जो है कच्छ का रण कहलाता है, नीचे वाला एरिया, ठीक है। अब आपकी अरावली पर्वतमाला निकलती है यूं, करीब करीब यूं, ठीक है, ये अरावली का विस्तार है। तो ये जो एरिया आता है यहाँ तक, ये एरिया, ये राजस्थान का मैदान है। इसको थार भी कहते हैं। क्या है? थार मरुस्थल। ठीक है, मरुस्थली एरिया है तो मरुस्थल है और नाम है इसका थार। दूसरी बात है दोस्तों तो यहाँ जो है वार्षिक वर्षा मात्र 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, बात करें वर्षा की तो 25 सेंटीमीटर वार्षिक, मतलब बहुत कम जो है वर्षा होती है। अगर दोस्तों आप गौर करेंगे तो इस मैदानी भाग में सबसे अधिक वर्षा पूर्वी भाग में होती है और सबसे कम वर्षा पश्चिमी भाग में होती है। जैसे जैसे हम पूर्व से पश्चिम की ओर जाएंगे वर्षा की मात्रा घटती जाएगी। और अगर ज़मीन की बात करें, ज़मीन के उपजाऊपन की, तो पश्चिम से पूर्व की तरफ जाएंगे तो ज़मीन का उपजाऊपन बढ़ता जाएगा। उसके पीछे क्या रीज़न है वो अभी अपन नदियाँ पढ़ेंगे तब उसमें देखेंगे। फिलहाल आप ये समझो विस्तार हो गया दोस्तों इसका, अरावली से भारत पाक सीमा तक मरुस्थल है ये, वर्षा 25 सेंटीमीटर वार्षिक कुली होती है और मरुद्भिद वनस्पति पाई जाती है। 05 मरुद्भिद वनस्पति पाई जाती हैं। अब ये मरुद्भिद क्या होता है दोस्तों? मरुद्भिद उस वनस्पति को कहते हैं इसमें छोटी छोटी झाड़ियाँ और कटीले वृक्ष वगैरह जो ये होते हैं जिनको पानी की आवश्यकता कम होती है, उनको मरुद्भिद कहते हैं और वो इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगली सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है दोस्तों कि ये है जो है टेथिस सागर का अवशेष है। हमने पढ़ा भी था कि जब भारतीय प्लेट और ये मिली थी उस समय जो है टेथिस सागर सूख गया था, पानी दूर चला गया था और इसका जन्म हुआ, तो इसे टेथिस सागर का अवशेष माना जाता है। और इसके प्रमाण क्या है कि यहाँ पे खैरी झीलें पाई जाती हैं। नाम सुना होगा आपने सांबर झील का, जो कि भारत की सबसे बड़ी खैरी झील है और भारत का 8.7% नमक उत्पादन करती है। तो खैरी झीलें पाई जाती हैं, खैरी झीलें पाई जाती हैं। छोटी झीलें जो होती है वो प्लाया कहलाती हैं। और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ यह है दोस्तों कि इसके अंदर जो है बालुका स्तूप पाए जाते हैं। क्या है? बालुका स्तूप। बालुका स्तूपों के प्रकार की बात करें तो अनुदैर्य और अनुदैर्य होते हैं। इसमें एक विशेष प्रकार का बालुका स्तूप पाया जाता है, उसको बरखान कहते हैं। बरखान ये क्या होता है दोस्तों? ये अर्ध चंद्राकार होता है।
अर्ध चंद्राकार इसकी आकृति होती है, इसको जो है बरखान बालुका स्तूप कहा जाता है। तो अगली सबसे इम्पोर्टेंट विशेषता इसकी यह है दोस्तों कि इसमें एकमात्र प्रमुख नदी है लूनी नदी, जो अजमेर के नागपहाड़ से निकलती है और कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। यह आंतरिक प्रवाह की नदी है और थार के मरुस्थल की अगर देखा जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट नदी है। तो लूनी नदी बहती है, लूनी नदी यह है दोस्तों अंतः प्रवाह की नदी, अंतः प्रवाह इसका जो है कच्छ के रण में जो है यह नदी विलुप्त हो जाती है। इसकी एक विशेषता और भी है कि आधी खारी है और आधी मीठी हो जाती है। बालोतरा बाड़मेर तक यह जो है इसका पानी मीठा होता है, उसके बाद खारा हो जाता है। तो ये थी दोस्तों कुछ मोटा मोटी जानकारी आपके राजस्थान के मैदान की, ठीक है। अरावली के उत्तर पश्चिम में है या पश्चिम में है और भारत पाक सीमा तक जो है ये विस्तृत है। इसका कुछ हिस्सा पंजाब में भी आता है, कुछ वैसे देखा जाए तो गुजरात में भी आता है, लेकिन मेन इसको राजस्थान में है इसलिए राजस्थान का मैदान कहते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों अपना दूसरा पार्ट, पंजाब व हरियाणा का मैदान। तो लेते हैं दूसरा है पंजाब व हरियाणा का मैदान। अब ये जो एरिया है दोस्तों पंजाब और हरियाणा का मैदान, ये पंजाब हरियाणा और आपके दिल्ली तक विस्तृत है। कहाँ है? पंजाब हरियाणा में, वह दिल्ली। अब देखिए जिक्र आया यहां पंजाब का, पंजाब क्यों कहा गया इसके क्षेत्र को? यहां पांच आबों का समूह है। अब आब क्या होता है? दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको आब कहा जाता है। और यहां चूंकि पांच आब है, कितने? पांच आब, पांच नदियां जो है यहां बहती हैं। मैं कुछ बताना चाहूंगा आपको मोटा मोटी। यहां ये मान लो आपकी सिंधु नदी है, सिंधु नदी, ठीक है। इधर से आई आपकी चिनाब, ठीक है। चिनाब में आई इधर से झेलम और ये यहाँ मिल गई। इसके बाद चल इसके अंदर जो है मिली नदी आपकी सतलज, और सतलज में मिली आपकी व्यास नदी, ठीक है। ये तो हुई आपकी सिंधु, सिंधु नदी। उसके बाद ये हुई आपकी चिनाब और ये जो थी, ये थी दोस्तों झेलम, क्या कहलाती है ये? झेलम। फिर उसके बाद आई आपकी ये नदी व्यास और फिर ये आई यहाँ एक नदी और है यहाँ, ये है दोस्तों रावी और ये है सतलज। अब देखिए सबसे ऊपर सिंधु थी, सिंधु के बाद झेलम, झेलम के बाद चिनाब, चिनाब के बाद रावी, रावी के बाद व्यास और फिर सतलज। ये कभी कभी नदियों का क्रम भी पूछा जाता है कि उत्तर से दक्षिण नदियाँ कौन सी है, तो ये भी आपको इम्पोर्टेंट है। मैं इसी चीज़ को यहाँ थोड़ी बड़ी करके बताना चाहूँगा आपको, वहाँ थोड़ा छोटा दिख रहा है। मान लो ये आपकी सिंधु नदी है, ठीक है। इसमें जो है आपकी ये एक मुख्य नदी है, उसमें आके मिली ये और एक मिली ये और एक मिली दोस्तों इसमें ये नदी और एक मिली इसमें ये, आप समझिए ये है आपकी सिंधु, ठीक है। सिंधु के नीचे है ये झेलम और ये नीचे है चिनाब, चिनाब या चेनाब जो भी है चिनाब, ठीक है। ये है रावी नदी, ये है व्यास और ये है दोस्तों सतलज। इम्पोर्टेंट नदियाँ हैं।
ये सिंधु नदी का जो अपवाह क्षेत्र वाला पूरा एरिया है ना, इसको कहते हैं पंजाब, और ये भारत और पाकिस्तान में फैला हुआ, पाकिस्तान के सिंधु और पंजाब प्रांत और भारत का पंजाब प्रांत इसमें आता है। अब इम्पोर्टेंट चीज़ ये है दोस्तों कि इन नदियों के बीच में जो दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र है उसको आप कहते हैं, तो सिंधु और झेलम के बीच का जो एरिया है दोस्तों ये, इसको कहते हैं सिंध सागर दो आप, क्या कहते हैं सिंध सागर, ठीक है। झेलम और चिनाब के बीच का जो है इसको कहते हैं दोस्तों छाज दो आप, क्या है छाज, ठीक है। चिनाब और रावि के बीच का जो एरिया है इसको कहते हैं रेचना, रेचना दो आप, और रावी और व्यास नदियों के बीच का जो ये एरिया है इसको कहते हैं बारी दो आप, बारी, और व्यास और सतलज के बीच में जो एरिया है इसको कहते हैं विष्ट दुआब या बिष्ट दुआब, बिष्ट दुआब। तो एक दो तीन चार और पांच, ये पांच आबों का समूह मिलके पंजाब कहलाया, और इस क्षेत्र को कहा लोगों ने पंजाब। अब हम पढ़ रहे थे पंजाब और हरियाणा का जो मैदान है ना, चूंकि भारत में पंजाब का छोटा सा हिस्सा बचा, बाकी पाकिस्तान में चला गया, और फिर इसका डिवाइडेशन हुआ, हमने हरियाणा अलग कर दिया, उसमें दिल्ली अलग निकाल दिया, बाकी एरिया पूरा पंजाब ही कहलाता था। तो अब चूंकि ये पांच नदियों वाले एरिया में है इसलिए इसको पंजाब का मैदान कहते हैं, और हरियाणा प्रदेश में पड़ता है इसलिए इसको हम इसको जो है पंजाब हरियाणा का मैदान कहते हैं। अब देखा जाए दोस्तों तो भारत में जो ये मैदान है ना उसमें इन नदियों का कोई विशेष महत्व है ही नहीं, क्योंकि ये नदियां पाकिस्तान में चली जाती है। भारत में देखा जाए तो केवल व्यास और सतलज नदियों का अपवाह क्षेत्र ही इस मैदान में आता है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में यह अच्छी तरह से आ गया होगा। अब हम इसके एक एक करके विशेषताओं को लेते हैं। तो ये जो एरिया है दोस्तों, ये आपका पंजाब वाला, ये हरियाणा और दिल्ली वाला एरिया, ये यहाँ तक मान लो आप ये, ठीक है। तो कुल मिला के ये हुआ आपका पंजाब हरियाणा का मैदान, ये पंजाब और हरियाणा का मैदान हुआ। तो पंजाब हरियाणा में दिल्ली में फैला हुआ है। बात इसमें करें नदियों की, तो दोस्तों इसमें नदियां आती हैं आपकी सतलुज और व्यास, सतलुज व व्यास का अपवाह क्षेत्र है, क्योंकि इसका उत्तरी भाग जो है पहाड़ी है, हिमाचल वाला एरिया पहाड़ी एरिया ज़्यादा, इसलिए वो इसमें नहीं आता है। एक इम्पोर्टेंट चीज़ वो है कि ये कहाँ तक है, तो ये यमुना नदी तक है दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली यमुना तक विस्तृत है, तक विस्तृत है, ठीक है। और इस एरिया में जो है खादर क्षेत्र है, बांगर क्षेत्र है, खादर नहीं है। राजस्थान का जो अपने पार्ट पड़ा था इसमें भी बांगर और खादर दो, सॉरी बांगर राजस्थान, बांगर और शुष्क मरुस्थल, इसको दो पार्ट में पढ़ा जाता है, लेकिन विशेष हम जब राजस्थान पढ़ेंगे, मरुस्थल पढ़ेंगे, तब उसको मैं डिटेल से पढ़ाऊँगा। राजस्थान में भी राजस्थान बांगर है और शुष्क जो है मरुस्थल, उसको अलग करके पढ़ा जाता है। उसी प्रकार इसमें जो एरिया आता है उसको हम बांगर कहा जाता है, क्योंकि नदियों का पानी नहीं पहुँच पाता है, स्पीड ज़्यादा है नदियों की, तो नदियों द्वारा निक्षेपण भी बहुत कम होता है। ये थी कुछ मोटा मोटी पंजाब और हरियाणा के मैदान की विशेषता। अब आता है दोस्तों अगला, गंगा का मैदान। गंगा का मैदान, अब देखिए गंगा का मैदान जो है दोस्तों तीन पार्ट में बटा हुआ, एक दो, और ये देखा जाए तो मतलब यहां तक ले लो आप इसको, ठीक है, तीन। इसको कहते हैं दोस्तों ऊपरी गंगा का मैदान, ये, ठीक है, ये है मध्य गंगा और ये है निम्न गंगा का मैदान। मतलब इसको हमने तीन भागों में डिवाइड किया है। ये दिल्ली से पश्चिमी यूपी तक आता है, ये पूर्वी यूपी और बिहार वाला एरिया आता है, और ये इसमें करीब करीब पूरा जो है पश्चिमी बंगाल एरिया ही आता है। वैसे इसको यहाँ तक करें हम तो थोड़ा और ज़्यादा उचित रहेगा, ये
ठीक है। और फिर ये पार्ट जो आता है दोस्तों, इसको कहते हैं ब्रह्मपुत्र का मैदान। क्या है ये? ब्रह्मपुत्र का मैदान या असम घाटी या ब्रह्मपुत्र की घाटी या असम का मैदान भी जो है इसको कहा जाता है। अब गंगा के मैदान के अंदर जो हम सबसे पहले लेते हैं, वैसे देखा जाए दोस्तों तो ये इसकी लंबाई जो है कितनी है, 1900 किलोमीटर है। और दूसरा ये यमुना नदी से बंगाल और असम तक फैला हुआ है। कहाँ है? यमुना से बंगाल व असम तक विस्तृत है। इसमें पहला आता है दोस्तों ऊपरी गंगा का मैदान। पहला क्या है? ऊपरी गंगा का मैदान, ठीक है। अब लेते हैं हम ऊपरी गंगा को। इसमें आती है दोस्तों वैसे विशेष रूप से गंगा नदी और आपकी यमुना नदी, ठीक है। तो विशेषता लेते हैं इसकी, तो ये जो है दोस्तों यमुना नदी से सौ सेंटीमीटर वर्षा रेखा तक विस्तृत है। देखिए ये जो लाइन है ना, ये कहलाती है 100 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। क्या है ये? 100 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। और दिल्ली वाला एरिया यमुना से लेकर 100 सेंटीमीटर वर्षा रेखा वाला तक का जो एरिया है, ये आपका ऊपरी गंगा का मैदान कहलाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज बात, इसे जो है दोस्तों रुहेलखंड व अवध का मैदान भी कहते हैं। वैसे देखा जाए तो ऊपरी गंगा के मैदान का ही हिस्सा है, इसका सब डिवीजन है रुहेलखंड और अवध का मैदान। क्या है इसमें? रुहेलखंड व अवध का मैदान, ठीक है। बात करें दोस्तों इसमें नदियों की, तो गंगा, यमुना, गंगा यमुना दो आप इसी के अंदर आता है, गंगा यमुना, फिर आ जाती है आपकी राम गंगा और फिर आ जाती है आपकी गोमती नदी तक। गोमती से आगे आ जाती है आपकी फिर घाघरा, जो कि उस हिस्से में आ जाती है, लेकिन उसका कुछ अफवाह क्षेत्र इसमें भी पड़ता है। ये अभी रुहेलखंड और अवध का मैदान कहाँ पड़ता है, मैं आपको गंगा नदी तंत्र बना के आपको समझा दूंगा। फिलहाल आप ये चीज़ नोट कीजिए कि गंगा यमुना राग गंगा और गोमती नदी का एरिया जो है इसमें आता है, रुहेलखंड व अवध का मैदान इसमें आता है, यमुना नदी से 100 सेंटीमीटर वर्षा रेखा जो है इसकी सीमा का निर्धारण है और ये ऊपरी गंगा का मैदान कहलाता है। इसमें दूसरा पार्ट आता है दोस्तों मध्य गंगा। मध्य गंगा का मैदान, अब ये कहाँ से कहाँ तक है बात करें दोस्तों मध्य गंगा के मैदान की, तो ये जो है उत्तर प्रदेश का पूर्वी हिस्से से लेकर बिहार तक विस्तृत है ये एरिया मध्य गंगा का मैदान। तो विस्तार इसका कहाँ से कहाँ तक हो गया? पूर्वी उत्तर प्रदेश से बिहार तक। अब इसे आप ये भी कह सकते हो कि 100 सेंटीमीटर से वर्षा रेखा से बिहार तक, ठीक है, लेकिन ये उत्तर पूर्व में ही पड़ती है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में ही पड़ती है, इसलिए इसको पूर्वी उत्तर प्रदेश से बिहार तक जो है ये एरिया आता है। दूसरी विशेषता इसकी, इसमें जो है घाघरा गंडक और कोसी नदियों का अफवाह क्षेत्र आता है। तो नदियाँ कौन सी है हुई? घाघरा, गंडक और कोसी, आपकी बूढ़ी गंडक और ये भी इसी में आती है। कोसी नदी जो है विस्तृत नदी तक विस्तृत है। कोसी नदी को आप जानते हो बिहार का सो कहलाती है, ये इसी एरिया में आता है। और तीसरा आता है दोस्तों अपना निम्न गंगा का मैदान। अब ये कहां से कहां तक है? ये है दोस्तों पूर्णतया पश्चिमी बंगाल में। पश्चिमी बंगाल का जो एरिया है पूर्णतया
पश्चिमी बंगाल में विस्तृत हैं। अब देखो क्या इसके आगे मैदान नहीं है, इसके आगे भी मैदान हैं, लेकिन चूंकि वो बांग्लादेश में पड़ जाता है, हम पढ़ रहे हैं भारत, इसलिए अपन इसको यहाँ तक ही पढ़ेंगे कि पूर्वी पश्चिमी बंगाल में तक जो है विस्तृत है। जबकि देखा जाए तो ये तो बहुत बड़ा है, पूरा एरिया ये चला गया बांग्लादेश के अंदर, ठीक है, और फिर ये आगे जाके ब्रह्मपुत्र के वाले एरिया से मिल जाता है। ये था निम्न गंगा का मैदान। अब इसके आगे वाला पार्ट है अपना ब्रह्मपुत्र का मैदान, वो भी ले लेते हैं यहाँ। ब्रह्मपुत्र का मैदान ये जो है दोस्तों, वैसे असम में फैला हुआ है, इसलिए इसको असम का मैदान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? असम का मैदान। दूसरा इसकी एक चीज और है विशेषता कि यह जो है ब्रह्मपुत्र घाटी भी कहलाता है। क्या कहलाता है? ब्रह्मपुत्र घाटी कहलाता है, केवल असम में विस्तृत है, ठीक है। और एक चीज, असम में कहां से कहां तक है? तो यह जो है दोस्तों सदिया से धुबरी तक आपकी ब्रह्मपुत्र नदी आती है और यहाँ से प्रवेश करके और ये जो इधर बांग्लादेश में होके फिर वहाँ चली जाती है। तो ये जो पॉइंट है इसको कहा है सदिया, ठीक है, और ये जो जगह है इसको कहा है धुबरी। धुबरी तक ये आपकी नदी हुई ब्रह्मपुत्र, ठीक है। तो सदिया से धुबरी तक इसका विस्तार है, सदिया से धुबरी तक विस्तृत है। ये थी इसकी कुछ मोटा मोटी जानकारी। अब मैं इस गंगा के मैदान को आपको एक चित्र द्वारा समझाना चाहूंगा, देखिए आप समझते हैं उसको। तो यह है दोस्तों आपका गंगा नदी तंत्र, ठीक है। अब देखिए भागीरथी नदी आई इधर से, उसमें अलकनंदा आके मिली देवप्रयाग में और ये यहाँ से गंगा कहलाई, ठीक है। आगे गई तो इसमें सबसे पहले मिली रामगंगा नदी और इधर से दक्षिण से मिली इसके अंदर यमुना नदी, यमुना की चंबल, बेतवा और केन सहायक नदियाँ, उसके आगे ये गोमती नदी। तो रामगंगा और गोमती की नदी के बीच का जो क्षेत्र है इसको कहते हैं रुहेलखंड का मैदान। और गोमती के बाद में जो नदी आती है इसमें घाघरा ऊपर से उत्तर से ये जो मैदान है ये कहलाता है अवध का मैदान। तो ये अवध का मैदान और रुहेलखंड का मैदान ये दोनों एरिया, मतलब यूं देख लो आप कि मोटा मोटी ये आपका ऊपरी गंगा का मैदान हो गया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ऊपरी गंगा का मैदान ये एरिया गया जिसमें आपका गंगा यमुना दो आप भी है, ये गंगा और यमुना दोनों के बीच में जो है इसको कहते हैं गंगा यमुना दो आब, ठीक है। और आप जानते हो यमुना नदी कहाँ मिलती है, यहाँ आ गया आपका इलाहाबाद, ठीक है। अब आ गया यहाँ तक रुहेलखंड और अवध के मैदान तक तो हो गया आपका ऊपरी गंगा का मैदान। और ये जो आगे का एरिया बचा हुआ है दोस्तों जिसमें आपका मगध का मैदान भी आ गया और ये सरण का मैदान और ये चीज़ें आ गई घाघरा गंडक बूढ़ी गंडक कोसी और महानंदा तक, ये फरक्का तक जो है ये जो एरिया है ये कहलाता है दोस्तों मध्य गंगा का मैदान। क्या है? मध्य गंगा का मैदान। और ये आइए आपका ऊपरी गंगा का मैदान। इसके अंदर आपका गंगा यमुना दोआब क्षेत्र भी आता है। उसके बाद में जो है आपका निम्न गंगा का मैदान है जो कि केवल पश्चिमी बंगाल में विस्तृत है। अब बात करें इसकी ब्रह्मपुत्र की, तो ये आपने देखा था केवल असम में है और ये सदिया से धुबरी तक विस्तृत है। तो ये थी कुछ मोटा मोटी जानकारी दोस्तों उत्तरी विशाल मैदान की। आज अपना ये टॉपिक यहीं पर होता है ख़त्म। कल हम नए टॉपिक के साथ वापस आएंगे, दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार।